आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव, धनबाद का नंबर वन न्यूज पोर्टल। मैं हूं सरताज। चलिए खबर की ओर। अहमदगंज में हुआ ये नेक काम। जी हां, मैं आपको बता दूं कि यूथ कमेटी द्वारा निःशुल्क आई कैंप लगाया गया, जिसमें 100 से अधिक मरीजों का फ्री में इलाज किया गया। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से वासीपुर के इस इलाके में किस तरह नौजवानों का ये नया रूप, जहाँ पे गरीबों का मसीहा बनने के लिए ये नौजवान तैयार है। नेशनल टुडे लैब की खास पेशकश आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। वहीं मीडिया से बात करते हुए रहमतगंज यूथ कमेटी के लोगों ने कहा कि हमारा एक ही प्रयास, गरीबों को फायदा हो। नेशनल टुडे लैब से सरताज की रिपोर्ट। आज रहमतगंज मस्जिद में क्या कुछ हो रहा है? मैं मोहम्मद अली असलम, रहमतगंज कमेटी का सदर। रहमतगंज मस्जिद के पास आई कैंप लगाया गया है, इसमें से 100 से ज़्यादा लोग तक लगभग फायदा उठा चुके हैं। क्या पहले भी कभी आई कैंप यहाँ लगे? पहले कभी नहीं लगा था, इस बार लगाया गया है। बहुत गरीब तबके के लोग हैं, इससे यहाँ का फायदा उठा रहे हैं। कितने आदमियों ने जाँच करवाया? लगभग 100 आदमी हो चुका है। आपका परिचय? मोहम्मद अली असलम, रहमतगंज कमेटी का सदर।